Hi, this is Rahul Mohan Chandru, the greatest performer the world has ever seen. Namaskar, adab, sat sri akal, kimchu, majama, namaskaram, vanakkam, khambagarni, namaskar. Okay, today I'm going to speak to you about. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ. जो सलमान खान ने जो नेपोटिज्म को सपोर्ट किया, what a valid thought process. उन्होंने कहा कि दो दिन एक हफ्ता पहले कुछ बोला था कि अगर शानू साहब अपने बेटे को नहीं तो सिखाएंगे, बेटे को नहीं सिखाएंगे तो क्या अपने नेबर के बेटे को सिखाएंगे. बहुत सही बात कही, बहुत सही बात की. लेकिन एक बात समझ लो, आप बेवकूफ एक जनरल पब्लिक को बना सकते हो एक बट लेकिन राहुल मोहन चंद्र को नहीं. बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर द वर्ल्ड हैव सीन. बहुत थैंक यू. जो अपने आर्ट को रेस्पेक्ट करता है ना, वो इतना सेल्फिश नहीं हो सकता. बिकॉज जो आर्टिस्ट होता है वो इंसानियत समझता है, वो सच्चा होता है, वो अपने आर्ट की आर्ट से सच्चा होता है. क्योंकि जो आर्ट तुम्हें तुम्हें तुम्हारे थाली में खाना देता है, उसके साथ तुम धोखा कैसे कर सकते हो. जब तुम नेपोटिज्म करते हो तो तुम इन द वे धोखा देते हो, क्योंकि साइड में दूसरा बंदा होगा, जो उस बंदा या बंदी होगी जो उससे भी टैलेंटेड होगा, और तुम उसको ध्यान नहीं दोगी जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी बेटी या बेटा नहीं है, या अंकल की बेटी या अंकल के बेटा नहीं है, या तुम्हारा भाई का बेटा या भाई की साली नहीं है. दिस रिक्वायर्स ये समझने के लिए आपको थोड़ा सेल्फलेस होना पड़ेगा, जो कि आप हो नहीं. आई एम सो सॉरी. तो आपको नेपोटिज्म को सपोर्ट करने के आपका 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 जो सोल्यूशन है बहुत करेक्ट बोला था आपने. लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए. एक अच्छा इंसान होगा तो वो सेल्फिश नहीं होगा कि मतलब मेरे बेटे को ही सिखाना, मेरे बच्चों. ऑफकोर्स वो अपने बच्चे को सिखा सकता है, लेकिन दूसरे को भी सिखाओ यार. दूसरे को क्यों नहीं सिखा सकता? ऑफकोर्स सिखाना है तो सिखा सकता है, लेकिन आजकल वो दिखता नहीं है. सेल्फलेसनेस दिखाता नहीं दिखता नहीं है. तो तुम लोग आर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करे. तुम आर्ट से पैसा कमाओ और कमाओ और कमाओ, मैक्सिमम पैसा कमाओ. मेरे बच्चे भी कमाए. इवन दो कोई दूसरा बंदा है जो उससे भी टैलेंटेड है, या बंदी उससे भी टैलेंट है, उसको कुछ उनको वहां पे रहने दो. मेरे को क्या आता है? मेरा बेटा तो नहीं ना, मेरी बेटी तो नहीं ना. इट्स देयर फादर्स पेरेंट्स प्रॉब्लम. वो अगर फेल हो गया या उसने कमिट सुसाइड कर दिया तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? ओके, ये होगी मेरी बात. अभी दूसरी बात यह है कि आपने उससे भी एक हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले आपने कुछ कहा था कि फॉल्स टीआरपी के लिए कुछ एक चैनल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा रही है. मैं आपसे पहला बात फिर से कहना चाहता हूँ, आपकी शो टीआरपी के लिए मरती है. टीआरपी के लिए बोलते हैं वोट दो वोट दो वोट दो और वोट दो और वोट दो और वोट दो. टीआरपी के लिए कौन मरती है? आपकी शो. जो शो रियलिटी शो से सीरियल हो गया, बोलते हो कि तुम मुझसे झगड़ा करो और उसको बोलते हो तुम इससे झगड़ा करो ताकि लोग और देखे, तो टीआरपी के लिए. और एक फॉल्स झगड़ा दिखाना, स्क्रिप्टेड कर देना, ऑडियंस को उल्लू बनाना कि मतलब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा, लेकिन जीतता कौन है जो तुम डिसाइड करते हो. तो टीआरपी के लिए कौन मरती है? इट्स योर शो. ओके, वो चैनल का बात तो छोड़ो, वो चैनल तो चलती रहेगी, कहीं तुम्हारे कारण ये शो खत्म ना हो जाए. ओके, तो दैट्स ऑल. मैं इतना ही तुमको समझ रहा हूँ. तो हो सकता है कि तुम्हारा शो ही बंद हो जाए. ओके, माइट नॉट हैपन. हो सकता है तुम होस्ट से टोस्ट बन जाओ. दैट्स इट. This is Rahul Mohan Chandran, the greatest performer the world has ever seen. Bye-bye.